आज मैं आप लोगों के लिए बिना आलू के ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 5 ब्रेड स्लाइस लिया है, आप देख सकते हो। चलिए फिर इसे कट कर लेते हैं, तो आपको दिखलाते हैं कि इसको किस तरह से कट करना है। आप यहाँ देखेंगे कि हम किस तरह से ब्रेड स्लाइस को कट कर चुके हैं, तो सारे ब्रेड स्लाइस को इसी तरह से कट कर लेना है। ब्रेड पकौड़ा खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग के घर के बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर इसे बना के देखिएगा। ब्रेड पकौड़ा में डालने के लिए हमने लिया है बारीक कटा हुआ गोभी, बारीक कटा हुआ बीन, और साथ ही लिया है हमने बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गाजर, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हमने बारीक बारीक कट करके रख लिया है। और इधर हम एक बाउल ले लेंगे, बाउल में डालेंगे 8 से 9 चम्मच बेसन भर के। तो आप यहाँ देखेंगे कि 8 से 9 चम्मच बेसन हमने डाल दिया है। कटोरी से 2 कटोरी होता है, छोटा कटोरी है जिसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए फिर इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। नमक डाल के इसमें डालेंगे पहले हम 1 कटोरी पानी, तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया है उसी कटोरी से पानी डाल दिया है। तो पहले 1 कटोरी पानी डालेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसमें पानी डालना है, एक बार में पानी नहीं डालना है। आप देख सकते हो पानी डालने के साथ ही हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, धीरे धीरे करके इसमें हमने 2 कटोरी पानी लगभग ऐड कर दिया है। पानी डालने के साथ इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए चला लेंगे। तो आप देख सकते हो अब ये कितने अच्छे तरीके से गाढ़ा बैटर बन के तैयार है। तो हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, पूरा पूरी हमने इसमें 2.5 कटोरी पानी डाला है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये बैटर गाढ़ा किस तरह से तैयार हुआ है, इसी तरह का बैटर रखना है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं क्रश किया हुआ 1 चम्मच लहसुन, तो लहसुन भी डाल दिया हमने। लहसुन डालने के साथ इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इधर गैस की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हो गैस पे मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इस बेसन वाले बैटर में डाल देंगे बारीक कटा हुआ जो सब्जी हमने तैयार करके रखा है, वही हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो आप लोग किस तरह से ब्रेड पकौड़ा बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो सारी सब्जियों को हमने डाल दिया है इस बेसन वाले बैटर में। आप लोग इसे शाम के नाश्ते में बनाइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी ब्रेड पकौड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हो हम इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दे रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मूंगफली, तो आप देख सकते हो मूंगफली भी हमने डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच पानी हम इसमें और ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हो पानी भी डाल दिया हमने, पूरा हमने इसमें 2.5 कटोरी पानी डाला है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अब ये तैयार है बैटर, अब हम इसके ऊपर से स्प्रेड करेंगे। तो ब्रेड हमने ले लिया है, आपको दिखलाते हैं किस तरह से इसको इस तरह से स्प्रेड करना है, और इसको चारों तरफ से इस तरह से लगा के इसमें कोट कर देना है। अब हम इसे क्या करेंगे कि गरम तेल में डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो ब्रेड पकौड़ा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको डालेंगे गरम तेल में और इसको एक एक करके डालते जाएंगे, और इसको दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई होने तक इसको हम तलेंगे। गैस के फ्लेम को हाई ही रखें, धीमी आंच पे नहीं तले। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक तरफ से हो चुका है, अब हम इसको दूसरी तरफ से पलट के फ्राई कर लेते हैं। आप इस ब्रेड पकौड़ा को हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए, टमाटो केचप के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगेगा चाय के साथ। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हो ब्रेड पकौड़ा अब अच्छे तरीके से तल के रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। सारे ब्रेड पकौड़ा को हम इसी तरह से एक एक करके तल के निकाल लेंगे। तो चलिए फिर ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है, आप इसे शाम के स्नैक्स के रूप में बनाइए और खाइए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। अगर आप लोगों को ये ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।